यार एनिमल्स कितने क्यूट होते हैं और स्पेशली पोकेमोन कितने क्यूट होते हैं। काफी लोग तो ये भी कहेंगे वो पोकेमोन्स के साथ सोना तक पसंद करेंगे, काफी क्यूट होते हैं ना वो लोग। बट वेट अ सेकेंड, ये वाला मोमेंट सोचो, तुम माचोप के साथ सो रहे हो और उसकी इमेज तुम्हारे सामने है। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कुछ 10 WTF मोमेंट्स के बारे में जो कि पोकेमोन एनिमे के अंदर हुए हैं। एंड ये 10 मोमेंट जानने के बाद तुम लोग काफी ज्यादा हंसने वाले हो, इसकी गारंटी मेरी है। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि देखो यार मैं बता दूं, अपना लॉजिक्स एक तरफ और पोकेमोन लॉजिक एक तरफ। पोकेमोन वालों के लॉजिक्स अगर हमारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट सुन लिए ना, वो सुसाइड करके मर जाने वाले अगर वो लोगों ने सुन लिया ऐसे ऐसे लॉजिक्स। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आए। तो चलो यार बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तुम ये तो मानते हो एश केचम काफी शरीफ बंदा है और अपने दोस्तों की काफी ज्यादा केयर करता है, एंड बात करें अगर उसके पोकेमोन्स की तो उसके लिए वो जान छिड़कता है। बट इन रियलिटी ये सब एक धोखा है गाइस। एश केचम तुम लोग को पपलू बनाता है। उसकी असली पर्सनालिटी तुम लोग को तब जानने मिली थी जब सबरीना वाला जिम बैटल हुआ था। तुम लोग को याद होगा जिस वक्त सबरीना ने उसके फ्रेंड्स को डॉल क्या बना दिया, एश केचम बेटा समझ गया पहली फुर्सत में निकल लो, क्योंकि अगर मैं दोस्ताना निभाने के चक्कर में रुक गया ना भाई साहब, पोकेमोन मास्टर छोड़ो, पोकेमोन की दुनिया का सफाई कर्मचारी भी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि सबरीना तो मेरे को डॉल बना के फिर बाथरूम में मेरे साथ नहाएगी। ऐसे ऐसे चीजें यार एश केचम लिटरली, तुम्हें क्या लगता है सही में एश केचम इतना अच्छा दोस्त है? गलतफहमी चीज रहे हो यार, एश केचम इतना भी अच्छा नहीं है। इस मोमेंट के अंदर लिटरली वो अपने दोस्तों को छोड़ के भाग गया। पहाड़ पे जाओ बे, तुम लोग जैसे हजारों दोस्त मेरे को मिल जाएंगे, मुझे डॉल नहीं बनना। भाई उधर ब्रॉक और मिस्सी चिल्ला रहे कि एश रुक जा हमारे लिए, लेकिन नहीं, तुम लोग जाओ वे तेल लेने सबरीना के साथ, मैं नहीं रुक रहा। इवन वो अपने पोकेमोन सबको छोड़ के भागने के लिए तैयार था, वो अपने चार्मेंडर को, ऐसा हाल हो गया था सबरीना वाले बैटल में। रुको, चार्मेंडर से मुझे एक और चीज की याद आ रही है, और ये भी हम लोग का नेक्स्ट WTF पॉइंट होने वाला है। लाइक तुम्हें पता है कि चार्मेंडर का जो जान है ना वो उसकी पूंछ में है। मतलब तुम्हारे पास कितना भी ज्यादा पावरफुल चार्जार्ड हो, अगर उसकी पूंछ की आग बुझ गई देन वो मर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है चार्जार्ड को हराने के लिए हमें कितने स्ट्रॉन्ग पोकेमोन की जरूरत पड़ी? ग्रेनिंजा, आर्शियस, आर यू किडिंग मी ब्रो? उसको ना मैजिक अप पेल के रख देगा चार्जार्ड को। मैजिक अप का तुम लोगों को पता होगा कि मैजिक अप उल्टियां करता है, अगर तुम लोग नहीं जानते एक फैक्ट है। तो भाई मैजिक अप ने कसम से अगर उल्टी कर दी ना चार्जार्ड के पूछ पे और उसका आग बुझ गया, चार्जार्ड की ना लाशें बिछ जाएंगी तुम लोग के आगे, समझ रहे हो? मतलब चार्जार्ड का कितना स्टूपिड कॉन्सेप्ट हो सकता है। अगर एक वक्त के लिए सोचो, अगर चार्जार्ड को चाकू मारने आया ना तो वो अपने पेट की जगह अपनी पूंछ बचाएगा वो, क्योंकि उसकी जान उसके पूंछ पे है। वाओ यार, सो गुड कॉन्सेप्ट, पता नहीं कहां से सोचते भाई पोकेमोन कंपनी। नंबर 8, ये भी मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अजीब लगा था पोकेमोन एनिमे के अंदर जब ये वाली चीज हुई थी। तो ये पता होगा पोकेमोन एनिमे के अंदर एक एपिसोड है जहां पे लिटरली वेलॉर्ड खो गया था। मैं उस ट्रेनर को ना भाई मैं खुद पर्सनली जाके पैसे देना चाहता हूँ। भाई इतने गरीब मत हो, मैं तुम्हें चश्मे के पैसे दिलाता हूँ। भाई मजाक कर रहे हो यार, कोई अंधे बंदे को भी पता चल जाएगा छू छाके कि भाई वेलॉर्ड कहाँ पे है। वेलॉर्ड पोकेमोन वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पोकेमोन है आफ्टर एटर्निटस, एंड तुम कह रहे हो तुम्हें वेलॉर्ड खो गया? भाई अगर तुम 4 किलोमीटर दूर से देखोगे ना तो भी तुम्हें वेलॉर्ड दिख जाएगा, इतना ज्यादा बड़ा होता है वेलॉर्ड। एंड वो पूरे एपिसोड के अंदर लिटरली वो लोग एक वेलॉर्ड ढूंढ रहे थे। 20 मिनट का एपिसोड होता है और 20 मिनट लग गए उनको वेलॉर्ड ढूंढने के लिए। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ WTF हो सकता है पोकेमोन वर्ल्ड के अंदर। नहीं, एक्चुअली और भी हो सकता है जो कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको। नंबर 7, तुम लोग डिग्लेट पोकेमोन के बारे में तो जानते ही होगे, एंड तुम्हें पता है कि हर पोकेमोन खाना खाता है। तो तुमने कभी ना कभी ये सोचा होगा, मे बी, पता नहीं यार, मैं काफी अजीब अजीब चीजें सोचता हूँ पोकेमोन के बारे में। तुमने डिग्लेट का कभी मुंह देखा है? ओके, मैं तुम्हें डिग्लेट की पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो। अब बताओ मुझे डिग्लेट का माउथ कहाँ पे है जहाँ से वो खाना खाता है? अब मैं जहाँ पे तुम्हें माउथ बताने वाला हूँ ना, वो चीज सुन के तुम बस खत्म, गेस कर लो। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, 3, 2, 1। गैस नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मैं भी नहीं जानता था आज की वीडियो से पहले। ये जो तुम इसकी पिंक सी नाक देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में नाक नहीं है, ये इसके दांत हैं। यह पोकेमोन वालों के डिजाइन बहुत ज्यादा ही क्रिएटिव हो रहे हैं गाइस, कोई कमेंट नहीं करेगा इसके बारे में, ठीक है? अच्छे बच्चे की तरह रहो, बहुत प्यारा डिजाइन है डिग्लेट का, रिस्पेक्ट। नंबर 6, जेम्स मॉल्ट्रस। ये बहुत ज्यादा स्टूपिड चीज थी, इवन इतनी स्टूपिड कि खुद टीम रॉकेट ने जेम्स की ली थी बजा के। अब देखो तुम्हें पता होगा टीम रॉकेट जो होते हैं वो आसमान से कपड़े उड़ा लेते हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन उनके पास खुद कपड़े आ जाते हैं, वो लोग चेंज कर लेते हैं। तुम्हें पता होगा उन गरीबों के पास खाना खाने के वो नहीं होते पैसे, कपड़े का खाक खरीदेंगे। तुमने कभी ना वो सोचा ही होगा भाई कैसे इतने तगड़े तगड़े रोबोट्स और कपड़े बना लेते हैं। एंड एक एपिसोड के अंदर लिटरली तुमने देखा होगा जहाँ पर जेम्स जो है वो मॉल्ट्रस बन जाता है पूरा, ये वाला सीन तुम लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे खुद टीम रॉकेट और
म्याउथ ने कहा था कि ये जेम्स के पास कैसे आया ये कपड़ा, क्योंकि अभी फिलहाल तक तो उसके पास उस गरीब के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक खाना खा सके, और अचानक से कपड़े कहां से प्रकट हो गए। नंबर 5, ये चीज बहुत ज्यादा क्रेजी है। अब वो वक्त आ चुका है जब तुम स्नोलेक्स के अंदर दब के मर जाओ, क्योंकि ये चीज सुनने के बाद तुम्हारा पूरा चाइल्डहुड रुइन होने वाला है। पोकेमॉन वर्ल्ड और एनिमे जो भी कह लो, उसके अंदर काफी सारी नर्स जॉय है, इवन हजार में यार बहुत सारी नर्स जॉय है। बट कैन यू प्लीज टेल मी, एक नर्स जॉय को कैसे जन्म दे सकती है? समझ रहे हो मेरी बात? देखो, नर्स जॉय ट्विंस है ये तुम लोग मानते हो, ठीक है, मतलब काफी सारी हो सकती है एक वक्त के लिए, ये भी मान लेते हैं। एक छोटी नर्स जॉय देखने मिलती है, तो इसकी डिलीवरी नर्स जॉय करके गई है या फिर आर्शियस स्पेशली नर्स जॉय को एक नर्स जॉय वरदान स्वरूप दे के गया है? गाइस मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ये शायद से वक्त था जब इंडिगो लीग खत्म हो गया था, एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट सीन है पोकेमॉन एनिमे के अंदर। लेट मी टेल यू इन ब्रीफ, तुम्हें बताओगे एक एपिसोड के अंदर जहाँ पे ऐश अपनी मॉम के काम से गया होता है विरिडियन सिटी, तो बेसिकली वो एक गार्डन में झांक रहा होता है एक लड़की को। एज यूजुअल तुम्हें पता है कि ब्रॉक लड़के झांकने में बहुत मजा आता है उसको, तो वो झांक रहा होता है एंड वो कहता है कितनी सुंदर लड़की है। ऐश भी कहता है कितनी सुंदर लड़की है, तो उधर से मिस्टी कहती है कि हाँ ब्रॉक कितनी भी तारीफ मत करो मेरी। तो लिटरली वहां पर जो ऐश का लाइन लिखा गया है ना पोकेमॉन राइटर्स के थ्रू, भाई फिदा हो गया था मैं उस लाइन पे। मतलब किसी एक को ही वहम हो सकता है, दोनों को साथ में वहम नहीं हो सकता ब्रो। इस वक्त में ना मिस्टी की कह के बजाई गई थी लिटरली। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारा सर्टिफाइड गधा ऐश कैचम, ओके ज्यादा मैं उसको बोलूंगा नहीं, ऐश के फैंस फिर डिसलाइक मारते हैं, नहीं करना गाइस, ऐश भगवान है सारे ट्रेनर्स का, ठीक है। ऐश का बस चले था वो मैजिक आपको भी हरा सकता है, ठीक है। अब ऐश की थोड़ी बुराई कर लेता हूँ, इतनी तारीफ करी दी है तो सुनो मेरी बात को। जनरली कोई भी स्टार्टर्स को देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा टाइप है, ग्रास टाइप, वाटर टाइप और फायर टाइप। एंड काफी फैंस गेस कर लिए होंगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। पोकेमॉन के एक एपिसोड के अंदर जहाँ पे अपना ऐश कैचम जो है ना वो बेच के लैब में जाता है स्टार्टर्स को मिलने के लिए, एंड वो ट्रीको के देख के कहता है क्या ये वाटर टाइप है? सुन मेरे ऐश कैचम, हगने के लिए ना बाथरूम होता है, प्रोफेसर बिर्ज की लैब नहीं जहाँ पे तुम खुले में ऐसे हग रहे हो। कम ऑन यार, कोई इतना भी बेवकूफ कैसे हो सकता है? अब देखो नंबर 2 पे हम लोग जो बात करने वाले हैं उसकी स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी बात तो की थी। देखो यार, जनरली तुम किसी पोकेमॉन को जब प्यार करते हो, फॉर एग्जांपल तुम पिकाचू को अपने साथ गले लगा के सोना पसंद करोगे एंड तुम्हें भी काफ़ी मज़ा आएगा, बट ये कैसा फेमिनिज्म, जनरलिज्म, डिक्टेटरशिप और जितने भी वर्ड्स है सब ठूस दो कि अगर तुम पिकाचू के साथ सोते हो देन वो क्यूट है, एंड अगर तुम माचू के साथ सोते हो तो फिर ये इतना ऑकवर्ड क्यों है? ये पता नहीं यार हमारे मन के अंदर कैसा विचार है। लाइक सोचो तुम पिकाचू के साथ सो रहे हो कितना क्यूट है, बट अगर तुम ये पिक्चर में देखो अगर तुम माचू के साथ सो रहे हो तो कितना अजीब लग रहा है यार देखने में ही। नंबर 1, ये चीज पोकेमॉन वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइज है जो कि काफी फैंस ने गौर नहीं किया था, बट ये WTF मोमेंट एज वेल एज कमाल की फैक्ट है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एंड बाय चांस या किसी और वीडियो में तुमने सुना ना, कॉपी स्पैम कर देना, ठीक है गाइज, मुझे तुम पे भरोसा है। तो गाइज अब फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुम्हें क्या लगता है एक इवोल्यूशन में क्या होता है? पोकेमॉन तभी मरता है जब वो इवॉल्व होता रहता है, यानी कि चार्मेंडर जो चार्जार्ड बनेगा तब वो बूढ़ा होगा और वो मरेगा, बट एक्चुअली में ये गलत है। ये एक एपिसोड के अंदर तुमने ट्रीको को देखा होगा, जब ट्रीको ऐश कैचम से मिलता है तब ट्रीको का एक बूढ़ा दद्दा भी होता है, तुमने उस एपिसोड के अंदर देखा होगा, और एक बूढ़ा ट्रीको हम लोग को देखने मिलता है। यानी कि गाइस एक पोकेमॉन बिना इवॉल्व हुए भी मर सकता है और बूढ़ा हो सकता है, जो कि काफी अमेजिंग फैक्ट तुम लोग को आज की वीडियो में जानने मिला होगा। गाइस मुझे बताना आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड रुको, हमेशा की तरह पिछले वीडियो पर 7K का टारगेट था, आज की वीडियो पर 10K का टारगेट है। अगर तुम लाइक्स कंप्लीट कर देते हो देन मैं तुम्हें ऑल कमाल के WTF मोमेंट तुम्हारे सामने लाऊंगा। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना एंड लेट मी नो योर फेवरेट WTF मोमेंट आज की वीडियो का कमेंट बॉक्स के अंदर, मुझे मजा आएगा एंड तुम लोग अपने खुद के भी बता सकते हो। तो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को फॉर मोर पोकेमॉन वीडियोस। तो मिलता हूं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए टेक केयर, पोकी कुछ तुम्हारे सामने है, बाय बाय।